हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मज़ बी गोइंग वेल ऑल्सो सो इन दिस वीडियो वी विल गोनर डिस्कस अबाउट द फैमिली एसके प्लीडेशी विच इज़ अ इंपॉर्टेंट फैमिली फॉर बी एस सी सेकेंड ईयर्स एग्जामिनेशन ओके सो एसके प्लिडेशी फैमिली जो होती है उसे हम लोग मिल्क वीड फैमिली भी कहते हैं क्या कहते हैं मिल्क वीड फैमिली बिकॉज़ कि इनके ज़्यादातर जो भी प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं या लीव होते हैं जब आप उसे तोड़ते हो तो उसमें से मिल्क निकलता है ठीक है बट वो वैसा मिल्क नहीं है कि हाँ जैसे नॉर्मली जो मिल्क होते हैं पीने वाले वैसा मिल्क नहीं होता है वो पॉइजनस भी हो सकता है ठीक है तो इसमें से मिल्क निकलते हैं इसीलिए इसे मिल्क कहते हैं और वीड मतलब ये कि वीड मतलब ही होता है खरपतवार मीन्स कि कहीं भी उग जाने वाले जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर जहाँ थोड़ा सा प्लेस मिला वहाँ पर ये उग जाते हैं इसीलिए इसे हम लोग पूरा अगर देखें तो मिल्क वीड फैमिली बस इसी वजह से कहा जाता है ठीक है तो आप लोगों को ये पता है कि टेक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने वर्ड पर ध्यान देना और उनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान देना ठीक है तो आप लोग स्पेलिंग देख लो कि ए एस सी एल ई पी आई डी ए सी ई ए ठीक है एस के प्लीडेसी ठीक है तो ये हो गया थोड़ा सा मिस् जनरल इंट्रोडक्शन और मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स में से आपको पहले सब कुछ पढ़ाती हूँ उसके बाद से मैं आपको बहुत ही जल्दी मतलब ये चैप्टर ये टॉपिक मैं खत्म कर दूंगी यहाँ पर ठीक है फैमिली एस्के प्लेडेसी जैसा मैंने बताया मिल्कवीट फैमिली कहते हैं इसे किंगडम इसका प्लांटी होता है तो प्लांटी मतलब आप लोग जानते हो कि प्लांट ठीक है तो ये प्लांट है ही है डिवीज़न इसका फेनोर गेम्स है मतलब कि ये सीड क्या करेंगे देंगे ठीक है ये मतलब सीट बियरिंग होते हैं तो ये सीट जरूर देंगे और क्लास जो होगा वो डाई होगा मतलब कि इनके जो फ्लावर होंगे वो पेंटामेरस हो सकते हैं रेटिकुलेटविनेशन पाया जाएगा इनके लीव में सब क्लास अगर गेमोपिटाली की बात करें तो गेमोपिटॉली मतलब ही होता है कि Uh, जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं ठीक है बाई कार्पलेट मतलब कि बाई इसमें होंगी ठीक है और uh, जेंटिनेल्स मतलब कि गायनोइ्टीजियम इसमें प्रेजेंट होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है uh, गाइनोइ्टीजियम आई थिंक कि आप लोगों को गायनोष्टीजियम पता होगा और अगर नहीं पता होगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगी ठीक है गाइनोइ्टीजियम दिस uh, इज द स्पेलिंग तो गाइनो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये याद रखना एंड अगेन फैमिली इज एस ठीक है तो अगर हम लोग इसके हैबिट की बात करें तो ये जनरली हर्ब्स होते हैं वाइन्स भी होते हैं मतलब ऐसे लटकने वाले भी होते हैं ठीक है मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसका एक एग्जांपल है होया और एक और इसका एग्जांपल है अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है मैं आगे आपको बताऊंगी वो ऐसे वाइन लटकते हैं ठीक है तो ये जनरली हर्फ हाँ भी हो सकते हैं वाइन्स भी हो सकते हैं विथ मिल्की सैप मैंने अभी बताया कि मिल्क जब आप तोड़ते हो या खुद भी टूट जाता है तो थोड़ा बहुत मिल्क निकलता है तो उसे ही हम लोग मिल्की शैप कहते हैं ठीक है अगर इसके रूट की बात करें तो ब्रांच होते हैं टैप रूट होता है इस टाइम इसके हर्बेशियस होते हैं मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो खाते होते हैं और वो होता है लेटेक्स इसमें प्रेजेंट होता है ठीक है लेटेक्स प्रेजेंट होगा लीव अपोजिट होंगे हॉल्ड होंगे एंड एक्स स्टिपुलेट होंगे ठीक है मीनस अपोजिट होंगे और एक्स स्टिपुलेट मतलब कि स्टिप्यूल्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे इन्फ्लॉरसेंस साइमोज होगा ठीक है दो ही तरीके के इन्फ्लोरसेंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं रेसिमोज और साइमोज होते ही दो तरीके के उसके अंदर बहुत सारे होते हैं तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इन्फ्लोरसेंस भी आपको पढ़ा दूँगी अ ट्रिक मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे याद रखो ठीक है और फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट होगा ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा पेंटामेरस होगा मैंने पहले ही बताया डाइकोटिलिडोनिक क्लास का है तो इसमें फ्लावर्स क्या होंगे पेंटामेरस होंगे और हाइपोगाइनस है तो हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी क्या हो जाएगी सुपीरियर हो जाएगी एक्टिनोमोफिक मीन्स सीमेट्रिक की एक्टीनोमोफिक होगी एंड हम प्रोडक्ट होगा मीन्स की मेल एंड फीमेल दोनों ही एक में होंगे ठीक है कैलिक्स की बात करें तो सेप्पल्स फ़ाइव होंगे गैमो सेपलस होगा मतलब कि क्या होगा गैमो मतलब ही फ्यूज होता है और सेप्पलस मतलब कि सेप्पल तो फ्यूज़ सेप्पल होंगे कोरोला पेटल फाइव होगा और गैमो पेटल्स होगा मतलब कि यहाँ पर पेटल्स भी क्या होंगे फ्यूज होंगे ठीक है एंडोसियम की बात करें तो फाइव स्टेमिन होगा ई होगा और गायनोशियम की बात करें तो सिन मतलब फ्यूज एंड सुपीरियर ओवरी यूनी एंड बाई कार्पुलरी ठीक है बाई कार्पुलरी मतलब कि बाई कार्पल्स दो कार्पल होंगे और यूनी मतलब कि जो ओव्यूल में लॉक्यूल होगा वो आ, मतलब सिंगल होगा यूनि होगा एंड सुपीरियर ओवरी मतलब कि ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी ठीक है सुपीरियर होगी एज कंपैरिजन टू अदर फ्लोरल पार्ट ठीक है और जब भी ओवरी सुपीरियर होती है तब वो क्या कहलाता है फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाता है फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाता है जब भी ओवरी सुपीरियर होती है तो क्या आप लोग ये बता सकते हो कि उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं जब ओवरी इन्फीरियर होती है तो उस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है फ्रूट की बात करें तो इसमें फॉलिकल्स टाइप फ्रूट होते हैं मैं आगे, आगे आपको दिखाऊंगी प्लाजेंटेशन की बात करें तो मार्जिनल प्लाजेंटेशन होता है कैसा प्लाजेंटेशन मार्जिनल और जिसको नहीं पता है कि मार्जिनल प्लाजेंटेशन क्या होता है और ट्रिक क्या है प्लाजेंटेशन याद करने की तो वो मेरी लास्ट वीडियो टेक्सोनॉमी की जरूर जरूर देखें बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक बताया हुआ है तो वो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ठीक है मार्जिनल प्लासेंटेशन हो जाएगा और इसमें देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पर आप लोग को चार पाँच चीजें देखने को मिलती है आ, मुझे बताओ सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बताया कि क्या प्रेजेंट होगा गायनुस्टीजियम ठीक है यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा है मैं आगे आपको वो अलग से बताऊंगी मैं बस बोल रही हूँ कि आप लोग इतना याद रखो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर एफके फैमिली का एक है गायनुस्टीजियम सेकेंड इसका है कोरोना नॉट डेट कोरोना वायरस नहीं ठीक है वो एक पार्ट है और पोलिनिया ट्रांसलेटर्स एंड कॉर्पक्यूलम ठीक है क्या क्या अगेन अब मेरे साथ रिपीट करो गायनुस्टीजियम कोरोना पोलिनिया ट्रांसलेटर्स एंड कॉर्पस्क्यूलम जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये था आप लोगों का पूरा मीन्स की थ्योरी में अगर आपको लिखना होगा तो आप इतना लिख सकते हो और भी अपने आप से दो तीन वर्ड जोड़ करके लिख सकते हो ज़्यादा नहीं लिखा जाता है मैं आपको पहले बता दे रही हूँ टेक्सोनॉमी में आपको थ्योरी मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ महाभारत लिख रहे हो नहीं बस मेन टू मेन टेक्निकल टर्म्स ही लिखने होते हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान देना एंड डायग्राम पे ध्यान देना उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड आपका क्लासिफिकेशन तो है ही है वो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा पेपर ठीक है ये नहीं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी लेकर के चलने लगे क्योंकि फैमिलीज़ बहुत सारी हैं और आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसलिए सब कुछ मत लेके चलना एक अच्छे अच्छे टर्म ढूंढ लो इस फैमिली से रिलेटेड क्या टर्म है इस फैमिली से रिलेटेड क्या टर्म है और उसे याद करो और खुद ना मिले तो मेरी वन शॉट वाली टेक्सोनॉमी की वीडियो दोनों देख लेना दोनों में मैंने वन शॉट वन शॉट करके एक में पूरा ही आ, फ्रूट एंड जो भी इनफ्लोरसेंस है उसके बारे में मैंने बात किया ओवरऑल क्लासिफिकेशन फ्रूट एंड इन फ्लोरसेड एंड सेकेंड वीडियो में मैंने सभी फैमिली uh, के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बताए हैं तो वो भी वीडियो जा कर के देख लेना ठीक है मैं इतना बस बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ के आप लोग अपना दिमाग मत खराब करना और भी सिलेबसेज हैं तो उन पर भी ध्यान देना ठीक है नाव अगर एसके प्लिडेसी के फ्लावर्स की बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और फ्लावर uh, दोनों के नाम बता दे रही हूँ तो फूड के तौर पर जो फ्लावर यूज़ आता है मीन्स की अब फूड भी है तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो आएगा ना खा रहे हैं तो वो आएगा ही तो उसमें जो एग्जाम्पल है वो है जिमने जिमनेमा लेक्टिफेरम फाइवर्स जिससे मिलता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कैलोट्रोपिस किसने किसने देखा है आप लोग सोच रहे हो कि ओ माई गॉड इतना हाई फाई प्लांट है कैलोट्रोपिस हमने तो देखा ही नहीं होगा नहीं भाई आपने देखा है अभी दिखाती हूँ मैं आपको नीचे चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेडिसिनल जो है उसमें एक हैमी डे और पेंटाट्रॉपिस आता है और ऑर्नामेंटल में तो बहुत सारे आते हैं जैसे होया ह्यूरनिया एस्केपलियस सेरोपेजिया और जो मेजर जेनरा होता है इस प्लांट का मीनस सॉरी इस फैमिली का वो होता है एस्केपलियस विंसेटॉक्सीयम ठीक है क्या होता है एस्केप्लियस विंसेटॉक्सियम अब इसके अगर हम लोग पूरे के पूरे फैमिली के फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ठीक है ये है इसका फ्लोरल डायग्राम और मैंने बताया अभी तो आपको फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं तो क्या आप लोग मतलब खुद अभी मैं आपको फ्लोरल डायग्राम दिखा रही हूँ तो क्या आप लोग खुद लिख करके दिखा सकते हो आप लोग कोशिश करो उसके बाद तो मैं बता ही दूंगी आपको ओके okay, तो पॉज करके ट्राई करते रहना इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है सी ब्रैक्ट प्रेजेंट है ब्रैक्टियोल्स भी हैं और एक्टिनोमोफिक है हमाप्रोडाइट है के फाइव ठीक है के फाइव मतलब कि के मतलब क्या होता है बताओ सेपल पेटल और उसके बाद एंडोशियम गाइनोशियम ठीक है तो, तो कैलिक्स कोरोला एंडोशियम एंड गैनोशियम तो के मतलब कि कैलिक्स तो कैलिक्स कितने होंगे इसमें फाइव ठीक है कोरोला में फाइव है मैंने बताया था ना आपको कोरोला मतलब पेटल तो फाइव पेटल होंगे इसमें और फाइव पेटल क्या होंगे फ्यूज हैं है ना फ्यूज़ और उसके बाद से एंडोशियम जो है वो भी फाइव है एंड गाइनोशियम टू है और वो भी फ्यूज़ है डेट इज़ गाइनोश्टीजियम बना रहा है वो और यहाँ पर ओवरी को सुपीरियर नहीं दिखाई गई है बट आप उसे दिखा लेना कि ओवरी क्या है सुपीरियर है एक छोटा सा डैश नीचे दे दोगे तो वो हो जाएगी ओवरी सुपीरियर ठीक है तो ये था इसका फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए होगा तो ठीक है ओके सो जो फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम था वो भी किसका था एस के विंसे टॉक्सिकम का क्योंकि यही एक इसका जैन जो जेनरा है वो थोड़ा सा पॉपुलर जनरा है और हर जगह मिल जाता है ओके सो आप लोगों ने ये देखो ये प्लांट जो है ये है कैलोट्रॉपिस ठीक है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा प्लांट है और क्या आपने इस प्लांट को देखा है चलो कोशिश करो मे बी आँख बंद करके याद करो कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा इसे ओके okay, तो जिन लोगों को याद आ गया होगा ओके okay, अच्छी बात है आप लोग को याद आ गया जिन्हें नहीं याद आ रहा है मैं उन्हें बता दूं कि आप लोग अपने घर में जब भी शिव जी की कोई भी पूजा होती है तो वहाँ पर इसे चढ़ाते हो ठीक है मैं आपको हिंट दे रही हूँ अब फिर कोशिश करो ओके ठीक है आप लोग कोशिश कर लेना आ, ये जो प्लांट है इसे हम लोग बोलते हैं मदार का पेड़ ठीक है कौन सा पेड़ मदार का पेड़ और इसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कैलो ट्रॉपिस बोलते हैं ठीक है ये सी एल ओ नहीं होगा ये कैलो होगा सी ए सी एल ओ कैलो ट्रॉपिस ठीक है तो ये कैलो ट्रॉपिस का प्लांट है और ये जनरली आपको हर जगह देखने को मिल जाता है और ये होते हैं इसके फ्रूट और ये कैसे हैं ये इन टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं फॉलिकल बोलते हैं ठीक है तो ये हो गया एंड अगर इनके फ्लावर को हम लोग देखें तो क्या ये आपको पेंटामेरस फ्लावर दिख रहे हैं तो हाँ दिख रहा है वन टू थ्री फोर फाइव दिख गया आपको ये उसके बाद से क्या है इनके जो पेटल्स हैं वो फ्यूज़ हैं हाँ फ्यूज़ हैं और ये जो आपको मैं अभी गायनोश की बात कर रही थी वो भी इसी प्लांट के फ्लावर्स में पाए जाएंगे तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो कैलोट्रोपिस तो हो गया इसके बाद इसका जो मेन प्लांट अगर बात कर लें तो एसके प्लियस जो इस फैमिली को दर्शाता है एसके प्लियस वो ऐसा कुछ दिखता है ये भी प्लांट आप लोगों ने कई जगह देखे होंगे और होया ठीक है तो होया जो है देखो ये वाइन की तरह है ना ये नीचे लटक रहा है ऐसा ये ऑर्नामेंटल है देखो कितना सुंदर लग रहा है और ये एक्चुअली घर में सजाने के लिए ही होता है ठीक है उसके बाद से देखो ये देखो होया कितना सुंदर है ये तो ये सब एस्के प्लीडेशी फैमिली के ही हैं और ये क्या है एस्के प्लियस है ये प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे और ये है आपका सैरोपेजिया कौन सा प्लांट है सैरोपेजिया और ये भी क्या है ऑर्नामेंटल है ये सब ऑर्नामेंटल है ठीक तो ये मतलब कुछ आप लोगों को मैंने प्लांट बता दिए और अगेन ये कैलोट्रोपिस एंड अगेन एक जगह मैं हाँ ये है कैलोट्रोपिस का फ्रूट एंड ये फ्लावर्स ये लीव है और रेटिकुलेट विनेशन पाया जा रहा है ना देखो इसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जा रहा है फ्लावर मैंने बताया कि पांच पेटल हैं और ये सब ठीक है तो ये हो गया इस थोड़ा सा फ्लावर और प्लांट के ऊपर अब देखो मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है इस फैमिली में वो है गाइनोस्टीजियम कोरोना आ, ट्रांसलेटर्स कार्पिसल्स एंड पोलिनिया तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब इसको समझने के लिए डायग्राम चाहिए मैंने बोला था ना देखो ये क्या है कैलोट्रोपिस का फ्लावर है ऊपर दिखाया ना मैंने आपको अब आप देखो फ्लावर में भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखो दिस इज गायनोस्टीजियम ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना आप इस फ्लावर का ये वाला पार्ट दिस इज गायनोस्टिजियम गायनोस्टिजियम क्या होता है एक तो फ्यूजन के द्वारा बना होता है और ये गायनोशियम की ना ऊपर की कवरिंग होती है फ्यूज हो जाता है और फिर ऊपर की कवरिंग होती है गायनोस्टीजियम पर मैं वन वर्ड पर एक बना दूंगी वीडियो क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और गायनोस्टीजियम आप अभी जनरली जानो कि गायनोशियम की ऊपरी ऊपर की कवरिंग होती है और ये फ्यूजन से बनती है ठीक है तो गायनोशियम आपको समझ में आया यह इसके प्रोडेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गायनोस्टीजियम पे के जो ऐसे देखो ये फाइव इस तरह बने ना ये जो नुखीले निकिले ऐसे निकले हुए हैं दिस इज़ कॉल्ड पोलिनिया ठीक है ये इतना दूर पोलिनिया इतना दूर पोलिनिया ये पोलिनिया ये पोलिनिया ये पोलिनिया ऐसे ही करके ये पोलिनिया हो गया ठीक है उसके बाद से कोरोना कोरोना दो टाइप के होते हैं एक हुड होता है एक हॉर्न होता है कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के एक हुड एक हॉर्न ठीक है हुड क्या होता है तो ये इसके ऊपर जो पार्ट निकलेंगे ये देखो ये निकला हुआ है ना ऐसा पार्ट इसको हम लोग हुड कहेंगे और ये जो पार्ट है इसे हम लोग हॉर्न कहेंगे तो इन दोनों को हम लोग कोरोना कहेंगे एंड फिर ये आगे का तो पेटल हाई है ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब मैं इसको और अच्छे से आपको समझाती हूँ देखो ये जो फिगर है ना इसको अपने दिमाग में बैठा लो हो सके तो बना लो देखो अगर हम एक फ्लावर को लेते हैं ऊपर वाला फ्लावर मैंने लिया और मैं उसे एकदम फ्रंट से देख रही हूँ ठीक है सब कुछ ऊपर वाला बस मुझे दिखाई दे रहा है नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अगर हम लोग ऊपर का व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा टॉप व्यू जो होता है तो सबसे पहले बीच में ये क्या है ये है आपका पूरा ये जो येलो कलर दिख रहा है ना ये पूरा आपका गायनोस्टीजियम है ठीक है ये हो गया गायनोस्टीजियम लेट मी चेंज द कलर ओके ब्लू सो ट्रांसलेटर क्या होंगे हाँ ओके गायनोस्टीजियम पहले आप देखो कि एंथर आता है क्या आता है एंथर आता है और ये जो स्टिग्मेटिक डिस्क है ये पूरा एक डिस्क है और ये है एंथर इन दोनों को मिला करके हम लोग गायनोस्टीजियम कह रहे हैं ठीक है कॉर्पिसल कॉर्पस्क्यूलम uh, क्या होता है तो जो ये एंथर है ना दो एंथर फिर दो एंथर फिर दो एंथर ये ये बन रहा है ना दो एंथर दो एंथर उनके बीच में जो पार्ट होता है उसे हम लोग कॉर्पस्क्यूलम कहते हैं ठीक है ट्रांसलेटर क्या होता है तो कॉर्पसक्यूलम को एंथर से जोड़े रखने वाले को हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं ठीक है ये हो गया कॉर्पस्क्यूलम और ये हो गया आप लोगों का ट्रांसलेटर ठीक है ये ट्रांसलेटर एंड फिर ये आपका हो गया एंथर ठीक है ये हो गया आपका एंथर तो ये तीन चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी लेट मी ड्रॉ इट ओके तो आप लोग को क्या याद करना है दो हो गए आपके एंथर ठीक है उसके बाद से आ गया ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर बीच में आपको रखना है कॉर्पस्क्यूलम देन अगेन फिर एंथर एंड देन अगेन फिर ट्रांसलेटर एंड देन अगेन फिर पर्पस्क्यूलम यही एक ये देखो यही पूरी स्ट्रक्चर है इसमें ठीक है और गायनोस्टीजियम को ये वाला जो चेन है ये पूरा कवर किया रहता है ठीक है तो ये समझ में आया उसके बाद से क्या बचा कोरोना ठीक है कोरोना बचा तो कोरोना में क्या होता है मैंने बताया एक होरल होता है एक हॉर्न होता है एक हुड होता है तो ये जो पूरा निकला हुआ है ये स्टेमिन टाइप में ठीक है तो ये क्या होता है आप लोगों का ऊपर वाला जो होगा वो हॉर्न होगा सॉरी ऊपर वाला जो होगा वो हुड होगा और नीचे वाला हॉर्न होगा लाइक स्ट्रक्चर देखो ऐसा कुछ है ये होगा आप लोगों का हॉर्न हॉर्न मतलब आप सिंग सिंग देखते हो ना सिंग कैसा होता है ऐसा होता है ना बस उसका उल्टा कर दो ये हो गया हॉर्न और ये हो गया उसका हुड ठीक है तो ऐसा कुछ कोरोना का स्ट्रक्चर होता है तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें बात की है मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ जितना पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है मैं उतना बता देती हूँ आप लोगों को को क्या करना है नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एपोसाइनिसी देन उसके बाद स्क्रॉफुल देन उसके बाद लैबियती बहुत सारी फैमिलीज़ मैं आपको कवर कर दूंगी धीरे धीरे क्योंकि एक ही क्लास का नहीं करना होता है दो तीन क्लास के करने होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट मैं आपको वही देती हूँ जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है ठीक है तो प्लीज़ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय टेक केयर एंड प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा